वेलकम बैक ऑन सिविल सर्विस बोर्ड यूट्यूब चैनल। सॉरी बड़े, बहुत ज़्यादा धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोग इस इनिशिएटिव को, मेंस आंसर राइटिंग इनिशिएटिव गाइडेंस प्रोग्राम को काफ़ी प्यार दे रहे हैं, काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। सो इसके लिए आप लोगों का बहुत ज़्यादा धन्यवाद। देखिए, कुछ क्वेरी कमेंट में आई हैं। अभी तक एपिसोड 1 और एपिसोड 2 अपलोड हुआ है, जिसके थ्रू कि मैं जान पाया हूँ कुछ क्वेरी आई हैं कि मैं जीएस के और क्वेश्चनों को डिस्कस कराऊं, साथ में सिर्फ एक ही क्वेश्चन नहीं और सारे क्वेश्चनों को साथ में लेकर चलूं। देखिए, अभी शुरुआती दौर है, अभी पता चला कि जब 3 से 4 क्वेश्चंस एक ही वीडियो में आ जाएगा ना, तो वीडियो पहले बहुत लंबा होगा, फिर आपका पेशेंस भी टूट जाएगा देखने का, फिर ये चीज़ें ना धीरे धीरे बर्डन लगती हैं फील होने। जब आप प्रैक्टिस करते 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 जब सारी सटीकता को सीख जाओगे ना कि हाँ, हमें जो इंट्रोडक्शंस हैं कितने शब्दों में लिखना है, बॉडी कितने शब्दों में लिखना है और कंक्लूजन कितने शब्दों में लिखना है, यानी कि भूमिका कितने शब्दों में लिखना है, ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चंस का प्रारूप भाग है कितने शब्दों में लिखना है और जो निष्कर्ष है कितने शब्दों में लिखना है, जब ये चीज़ें बार 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 करने से जब आप रिवाइज्ड कर लोगे, बिल्कुल अपनी हैबिट में ला लोगे ना, उस दिन से हम 3 से 4 क्वेश्चंस को साथ में बात करेंगे, ठीक है। अभी मैं हिस्ट्री के सेगमेंट को लेके चल रहा हूँ, हिस्ट्री के क्वेश्चंस को इस गाइडेंस प्रोग्राम में कंक्लूड किया हूँ, ठीक है। सो थोड़ा सा पेशेंस बना कर चलिए, आई होप कि 3 से 4 एपिसोड के बाद मैं क्वेश्चनों की संख्या बढ़ा दूंगा, ठीक है। अभी हिस्ट्री कर रहे हैं तो प्लीज़ आप इसके साथ बिल्कुल लिनियर रहिए और रूटीन के साथ करिए, ये काफ़ी हेल्पफुल है। अगर आप कहीं पे भी गाइडेंस प्रोग्राम ज्वाइन किए होंगे या करेंगे तो आप देख लेना कि बिल्कुल एक बेहतर सजेशंस दिया जा रहा है, एक तौला मापा हुआ सजेशंस आपको दिया जा रहा है, ठीक है। चलिए अब आते हैं मुद्दे पर, अब आते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस क्या है? मराठा साम्राज्य के उदय में पेशवा बाजीराव की भूमिका को स्पष्ट करते हुए मराठों के पतन के कारणों पर चर्चा करें। देखिए यहाँ पे सॉरी चर्चा रहेगा, ठीक है, चर्चा करें, ठीक है। एक बार क्वेश्चंस को और पढ़ते हैं जो कि हैबिट होती है, ठीक है। मराठा साम्राज्य के उदय में पेशवा बाजीराव की भूमिका को स्पष्ट करते हुए मराठों के पतन के कारणों पर चर्चा करें। देखिए यहाँ पे 3 से 4 बातें हिडन रूप में हैं जो कि हमसे पूछने की कोशिश की जा रही है। क्या पूछा जा रहा है? पहला कि मराठा साम्राज्य के उदय के बारे में हमको पता होना चाहिए कि मराठा साम्राज्य का उदय कब हुआ था, क्या था इसका बैकग्राउंड, हल्का फुल्का पता होना चाहिए। अब आते हैं पेशवा बाजीराव कौन था, आखिर मराठा साम्राज्य में इसकी ऐसा क्या योगदान था कि इसके नाम से इस साम्राज्य को भी जाना जाता है। उसके बाद लास्ट इसमें पॉइंट हमसे पूछने की कोशिश ये की जा रही कि मराठों के पतन के कारण क्या क्या थे, ठीक है। तो यहाँ से आप 3 से 4 लाइन को आप बिल्कुल कन्फर्म कर पा रहे हैं, 3 से 4 वाक्य को, कि हमसे क्या पूछा जा रहा है। देखिए अक्सर ऐसा मेंस की कॉपी में होता है कि हम क्वेश्चन तो पढ़ जाते हैं, शुरुआत का पढ़ा, अच्छा मराठा के बारे में बोला है, चलो लिख देते हैं पूरा, फिर पता चला नहीं यार, क्वेश्चन को तोड़ने पर पता चला कि हमसे टोटल 3 से 4 पार्ट में बातें बोली गई हैं और उनके हमको किन के बारे में लिखना है और क्या क्या लिखना है, ठीक है। आई होप सो कि आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या आपसे बात करने का कोशिश कर रहा हूं। सो कोई भी क्वेश्चंस हो मेंस का, उसको 3 से 4 बार पढ़िए, 3 से 4 बार पढ़ने के बाद जो वाक्यांश होते हैं ना हमारे दिमाग में बैठते हैं और वो कहते हैं कि भाई तुम जो पढ़ रहे हो ना वो बातें नहीं पूछी जा रही है, तुम जो बार बार पढ़ के उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हो ना वही बातें पूछी जा रही है, ठीक है। चलिए मराठा साम्राज्य के उदय के बारे में हमको पता होना चाहिए, मराठा साम्राज्य कौन था, कहाँ का था, किस पंछी का नाम था, ये पता होना चाहिए। जैसे कि अब यहाँ पे देखिए हम नोट डाउन करके बात कर रहे हैं, ठीक है। मराठा साम्राज्य, ठीक है, इसके बारे में हमको पता होना चाहिए। अब आते हैं पेशवा बाजीराव, ठीक है, पेशवा बाजीराव, इसके बारे में हमको जानना चाहिए, और मराठों के पतन का कारण, ठीक है, मराठों के पतन का कारण। अगर ये 3 बातें हमको पता है
तो हम इस क्वेश्चंस को बिल्कुल सटीकता के साथ फुलफिल करने में सक्षम हैं। अब मैं ये मान के चलूंगा कि आप ये बातें जान रहे हो। अब मेरी बात थोड़ा सा ध्यान से सुनना है, आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि आपको अगर इस स्टेटमेंट के बारे में नहीं पता है या पता है, मैं ये कह रहा हूं कि आप कुछ समय के लिए ये मानो कि आपको ये स्टेटमेंट पता है, ठीक है? जब पता है तभी ना लिखोगे, ठीक है? क्लियर? अब रह गई बात कि टॉपिक भी आपको मैं अगर बताता चलूं कि भैया इस टॉपिक को पढ़ूं, मैं अगले एपिसोड में इस टॉपिक पे बात करने वाला हूं, तो आई होप सो कि ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव रहेगा आपके लिए, ठीक है? तो आप कमेंट बॉक्स में ना इस बात को जरूर मेंशन करो कि क्या मैं आपको टॉपिक देकर क्वेश्चंस पे बात करूं या बिल्कुल ये जो तरीका है बिल्कुल सही चल रहा है, ये आप हमको बताएंगे। अदरवाइज इसी इसी रूटीन से हम काम करने वाले हैं, ठीक है? चलिए, तो अगर मराठा साम्राज्य के बारे में पता है, पेशवा बाजीराव के राव के बारे में पता है, मराठों के पतन का कारण हमको पता है, तो ये जो 150 शब्द है बिल्कुल लिख लेंगे, और ये जो 10 नंबर है इस 10 नंबर में से हम 5 से 6 नंबर पा सकते हैं, ठीक है? अब कहेंगे कि 10 में 10 नंबर क्यों नहीं मिलता? भैया कोई नहीं पाता, ठीक है? कोई नहीं पाता। जब आप मेंस लिखेंगे ना तो कोई नहीं पाता, क्यों? क्योंकि बहुत सारी ऐसी कमियां होती हैं जो हम बेहतर से बेहतर प्रिपरेशंस करके भी नहीं लिख पाते हैं। बहुत जब उम्दा तरीके का क्वेश्चंस आंसर डिस्कशंस करते हैं ना, तब जाके वहां से 10 में से 7, 7.5, बहुत 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 क्लियर कॉन्सेप्ट पे नंबर मिलते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जो भी टॉपिक पढ़ो बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल करके पढ़ो, ताकि उसके बारे में जब पूछा जाए ना बिल्कुल बहाव की तरह लिखो आप, बिल्कुल एकदम कॉन्सेप्चुअल बातें लगे कि यार कम से कम बातों में पूरी पूरी आपने फैक्ट डिस्कशंस कर दी, ठीक है? चलिए अब आते हैं फिर से मुद्दे पे, ठीक है? तो इन तीन बार तीन अब मैं मान के चलूं कि ये तीन बातें आपको पता है, तीन बातें आपको पता है। अब देखिए, क्वेश्चन 150 शब्द में लिखना है, 10 अंक का क्वेश्चन है। अब एक अगर 150 शब्द में लिखना है तो मैं मान के चलूं कि आपको 2 से 3 पेज मिले होंगे, 2 पेज मिले होंगे, 2 पेज में 150 शब्द बहुत अच्छे से आ सकते हैं, ठीक है? मैं यहां पर 3 पेज लेके चल रहा हूं, ठीक है? 3 पेज मैं लेके चल रहा हूं, अभी शुरुआती दौर है, फिर मैं पेज को हटा दूंगा, ठीक है? बिल्कुल। अब मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप मेरे साथ साथ आप भी पेन और कागज लेकर मार्केट में यूपीएससी का यूपीएससी के नाम से ये ना ये इस फॉर्मेट का कॉपी मिलती है। अगर नहीं है तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, आप अपने रजिस्टर को लीजिए, उसमें 2 साइड पैरा खींचिए और बीच में लिखना शुरू कीजिए। क्यों? क्योंकि यही यही इसी इसी स्टैंडर्ड से आपको स्टेट पीसीएस में और इसी स्टैंडर्ड से आपको यूपीएससी में पेपर लिखना है, ठीक है? चलिए अब आते हैं मेन मुद्दे पे। तो हमें क्या करना है, पहले हम जब ये क्वेश्चंस पढ़ लिए तो मैं मानता हूं कि मुझे क्वेश्चंस आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि भाई हमें लिखना है, हम तभी ना लिख रहे हैं जब हमें क्वेश्चंस आ रहा है, ठीक है? अब चलिए, अब देखिए जो हमारा इंट्रोडक्शन होगा, जस्ट वेट, इंक चेंज कर लेते हैं ना, वेट, ठीक है? अब इंट्रोडक्शन के बारे में आते हैं। जो इंट्रोडक्शन है वह कितने में लिखना है, वह मान के चलिए कि 23 से 25 शब्द में हमें कंप्लीट कर देना है। क्या? इंट्रोडक्शन यानी भूमिका। जस्ट वेट, थोड़ी सी राइटिंग में दिक्कत हो रही है, प्लीज आप इसको इग्नोर करना, मैं बोल भी रहा हूं ना, क्योंकि टच पैड मेरी हैबिट नहीं लिखने की है, ठीक है? यानी जो भूमिका है उसको कितने में लिखना है, 25 से 30 शब्द में लिख लेना है। हमें कितना बहुत ज्यादा भले आवे लेकिन हमें 23 से 25 शब्द के ऊपर नहीं जाना है भूमिका में। क्यों? क्योंकि हमको सारे के सारे अपने कंटेंट को ना हमें बॉडी के अंदर डालना है, ठीक है? चलिए अब आते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है? अब बॉडी में क्या लिखेंगे, बॉडी में भाई जो इंट्रो है वह 23 से 25 शब्द में लिख लिया, ठीक है? अब जो बॉडी है, ठीक है, बॉडी में मान के चलिए कि आप 150 में से 25 शब्द तो छोड़ दिया आपने इंट्रो के लिए, ठीक है? अब 50 में से कितना बचा, 25, 25 नहीं 30 मान के चलिए, 30 आप ले लीजिए निष्कर्ष के लिए, लास्ट वाले सेगमेंट के लिए जितना भी बचा वर्ड वो आपको बॉडी में लिखना होता है। अब मेरी बात एक और बात सुनना, इसमें से ना 10 वर्ड ज्यादा भी हो जाते हैं, 20 वर्ड कम भी हो जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपसे जो क्वेश्चंस पूछा गया है ना आप उस डिमांड को पूरा कर दो, बस एग्जामिनर को इसी से मतलब होता है, वो 1 1 1 1 2 3 करके ना किसी वर्ड को नहीं काउंट करता है।
आपसे जो बातें पूछी गई हैं, आप मैक्सिमम अपने स्टेटमेंट को ऐसे 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 प्रारूप को रखिए ना कि आपके क्वेश्चंस के डिमांड को फुलफिल कर दो, बात खत्म। एग्जामिनर को इसी से मतलब होता है, वो किसी को कॉपी उठाकर वन बाय वन वर्ड को नहीं काउंट करता है। तो हमने बात कर लिया कि हमको किनको किनको कैसे कैसे लिखना है, ठीक है। अब बहुत सारे डाउट आता है कि सर जो भी कोई क्वेश्चंस रहता है तो हम भूमिका में, इंट्रोडक्शंस में क्या लिखें, प्रस्तावना में क्या लिखें, निष्कर्ष में क्या लिखें। एक बात और जो कि मैं हर वीडियो बता रहा हूँ, हर क्वेश्चंस का डिमांड होता है, हर क्वेश्चंस के डिमांड के अनुसार हम बात करते हैं। अगर किसी क्वेश्चंस में निष्कर्ष का डिमांड है तो निष्कर्ष करेंगे, अगर निष्कर्ष का डिमांड नहीं है तो निष्कर्ष को हम बताने से बचेंगे। क्यों? निष्कर्ष जो होता है ना, हमारा एक ओवरव्यू होता है। तो अगर बोल रहा है, पूछ रहा है, तब तो देंगे, और नहीं बोल रहा है तो हम देने से थोड़ा सा कतराते हैं, बचते हैं। क्यों? क्योंकि पता चला हमने सब कुछ बहुत अच्छा लिखा और निष्कर्ष में हमने लिपापोती कर दिया, तब तो हो गया बंटा धारणा पूरे आंसर राइटिंग का, है ना। तो पूछता है तो लिखेंगे, और नहीं पूछेगा तो नहीं लिखेंगे। क्लियर? ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है। जस्ट वेट। सो ठीक, तो मैं मान के चलूं कि मराठा साम्राज्य के बारे में आपको पता है, पेशवा बाजीराव के बारे में पता है, मराठों के पतन का कारण आपको पता है, तो मैं इसको अब इरेज करूं, ठीक है। ठीक, अब हम लिखते हैं, आप भी हमारे साथ साथ लिखो, ठीक है। अगर आपको कंटेंट पता है तो अपने हिसाब से लिखो, इन दोनों को आप मैच करना। देखिए, ऐसा नहीं कि मैं बता रहा हूं तो मैं बहुत परफेक्ट लिख रहा हूं, बिल्कुल नहीं। मैं बस एक गाइडेंस प्रोग्राम के तहत ये बताना चाह रहा हूं कि अपने लिमिटेशंस को बनाइए। इंट्रो में ना बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं देना है, बस 23 से 25 शब्द लिख लिया, इंट्रो का काम खत्म। बॉडी में आ गए, उसमें से 150 शब्द का अगर आंसर लिखना है तो उसमें से 30 से 35 वर्ड को हटाकर जितना बचा हमको बॉडी में डाल देना होता है। लेकिन सटीकता और फ्लो, एक दूसरे शब्द के साथ जुड़ाव भी हम मेंटेन रख के चलना पड़ता है। देखिए, मैं बिल्कुल ईमानदारी से कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एक एक बात को, एक एक अर्घ को बता सकूँ। अब मुझे नहीं पता कि आप कितना चीज़ों को आप ऑब्जॉर्व कर पा रहे हो। अगर आप चीज़ों को बिल्कुल सटीकता के साथ ले रहे हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ना अपनी बातों को जरूर बताना। ये हमको मोटिवेशंस का काम करता है कि हम जो बता पा रहे हैं वो आप समझने में सक्षम हो पा रहे हैं, ठीक है। चलिए, अब आते हैं लिखने के ऊपर। चलिए, आप भी साथ साथ हमारे लिखना शुरू करिए, ठीक है। अब देखिए, भूमिका है, हालांकि वहां कॉपी भूमिका नहीं लिखते हैं, लेकिन हम यहाँ पे आपको बताने के लिए भूमिका लिख रहे हैं कि भूमिका में क्या लिखते हैं, ठीक है। चलिए, अब बात करनी है कि जो मराठा साम्राज्य था ना, ठीक है, उसका नेतृत्व करता सबसे यशस्वी कौन था? बाजीराव प्रथम था, जिसके हाथों में क्या था? मराठा प्रशासन था, ठीक है। और छत्रपति के बाद पेशवा के शीर्ष महत्वपूर्ण पद क्या था, ठीक है, सॉरी छत्रपति के बाद जो मराठाओं के सबसे जो शीर्ष जगह था वो पेशवा था, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो भूमिका में ना इन्हीं बातों को लिखना है, ठीक है। थोड़ा सा राइटिंग को प्लीज़ आप स्किप करना, ठीक है। मेरी राइटिंग उतनी अच्छी यहाँ पर बन नहीं पा रही, कोशिश करो बनाने का, बट बार बार राइटिंग पैड पर हैबिट नहीं है लिखने का, क्योंकि कॉपी से राइटिंग पैड बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है लिखने पर, ठीक है। तो क्या लिखेंगे कि जस्ट वेट, हाँ ये थोड़ा सा हिल रहा है, जस्ट वेट यस। 1720 ईस्वी में, ठीक है, 1720 ईस्वी में मराठा साम्राज्य का नेतृत्व बाजीराव प्रथम के हाथों में आ गया। क्लियर? यहां तक क्लियर? मराठा प्रशासन में, ठीक है, मराठा प्रशासन में छत्रपति के बाद पेशवा शीर्ष महत्वपूर्ण पद था, के बाद प्रशासन के बाद
मराठा प्रशासन के बाद, प्रशासन में छत्रपति के बाद, ठीक है, प्रशासन में छत्रपति के बाद पेशवा शीर्ष महत्वपूर्ण पद होता था। ठीक है, अब मैं ये समझ के चल रहा हूं कि हमारा जो भूमिका है ना वो पूरा हो गया। अब इसके चलिए काउंट कर लेते हैं, ठीक है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है, ये हो गया 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, चलिए प्लस 11 और हो गया, ठीक है, इन दोनों का काउंट कर दीजिए, 3 आया, ठीक है, यहाँ से 2 आया। सो 23 से 25 शब्द में अगर हमारा इंट्रो हो जा रहा है तो वेल एंड गुड, ये बहुत अच्छा संकेत होता है हमारे एक अच्छे आंसर को मानने का। तो देखिए हमारा जो 23 शब्द में हमारा जो इंट्रो है वह कंप्लीट हो गया, ठीक है, बहुत कुछ लिख सकते हैं लेकिन इंट्रो एक स्पेसिफिक ओवरव्यू आपके आंसर का दे देता है कि आपने क्वेश्चंस के डिमांड को पकड़ा कि नहीं पकड़ा। देखिए एग्जामिनर ना आपके इंट्रो को पढ़ के जान जाता है कि आप ना किस फ्लो में जाने वाले हो, किस फ्लो में लिखने वाले हो। तो इंट्रो ने बता दिया कि 1720 ईस्वी में मराठा साम्राज्य का नेतृत्व बाजीराव प्रथम के हाथों में आ गया, मराठा प्रशासन में छत्रपति के बाद पेशवा शीर्ष महत्वपूर्ण पद होता था, ठीक है। सो हमने एक ओवरव्यू बता दिया मराठा साम्राज्य के बारे में, ठीक है, इसका कब स्थापना क्या था, एक ओवरव्यू बताने का हमने कोशिश किया। अब आते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है, अब देखिए मैंने बॉडी लिखा है ना, आप लिखना मत, मैं आपको अभी शुरुआत में बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अब हम बॉडी की बात करने जा रहे हैं। तो बॉडी में हम क्या क्या बात करेंगे, तो बाजीराव की भूमिका हमने बोला ना, बाजीराव के बारे में हमें पता होना चाहिए, तो बॉडी में क्या लिखेंगे, बाजीराव, ठीक है, और क्या लिखेंगे, और लिखेंगे मराठा पतन का कारण, थोड़ा सा राइटिंग को प्लीज आप ना इग्नोर करना, मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं एक अच्छे भाषा में लिख सकूं, राइटिंग पैड पे मेरी हैबिट नहीं है, जिसको पार के लाख मैं कोशिश करूं लेकिन राइटिंग बिगड़ जा रही है, ठीक है। तो देखिए बॉडी में क्या लिखेंगे, बाजीराव के बारे में लिखेंगे कि बाजीराव की भूमिका क्या रही है मराठा साम्राज्य में, उसके बाद मराठा जो साम्राज्य था पतन का कारण, यही ना बातें पूछी गई हैं हमसे भाई, बातें हमसे क्या, यही ना बातें पूछा गया है। सो बाजीराव के बारे में बता देंगे, मराठा जो पतन था उसका कारण बता देंगे, बॉडी खत्म, हल्का से निष्कर्ष करके निकल लेंगे बाहर, ठीक है। चलिए तो लिखते हैं बाजीराव की भूमिका, अब यहां पर आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, मैं यहां पर रेड यूज कर रहा हूं, आपको या तो ब्लैक से लिखिए या ब्लू लिख करके ब्लैक से अंडरलाइन कर देना, वो मैं बता रहा हूं कैसे करना है, ठीक है। चलिए तो यहां पर लिखना है आपको बाजीराव की भूमिका, बाजीराव की भूमिका। अब क्या करेंगे ना, इसको अंडरलाइन कर देंगे, अब थोड़ा देखने में अच्छा लग रहा है ना, और हाईलाइट हो गया, और मैंने हाईलाइट क्यों करना चाहा, क्योंकि एग्जामिनर को दिखे कि भैया आपने जो पूछा है हमसे ना मैं वो समझ चुका हूं, इसे तो इसको हाईलाइट किया, उसको देख लो आप, ठीक है। बस अब यहां का जो स्पेस, यहां कुछ नहीं लिखेंगे, यहां पर लिखने से कतराएंगे थोड़ा, बचेंगे, यहां कुछ नहीं लिखेंगे, अब हम शुरुआत करेंगे कहां से, यहां से लिखेंगे। और मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि हमें अब 1, 2, 3, 4, 5 में नहीं चलना है, क्यों, क्योंकि एग्जाम का समय है, अगर मान के चले कि कुछ बातें, कुछ पॉइंट आप अगर प्रेशर में आ करके भूल जा रहे हैं, तो भैया पता चला कि कुछ बातें भूल गई तो हम एक दो नंबर पे आके रुक गए, अब एग्जामिनर क्या बोलेगा, भैया बाजीराव की भूमिका बस खाली क्या 2 ही पॉइंट में आपको पता था, नहीं ना। तो हम क्या करेंगे, इस नंबर को न जान के पॉइंट में करेंगे, एरो ऐसे लगा देंगे, या तो हम ऐसे करेंगे
डॉट करेंगे या तो हम एरो लगा देंगे, सबसे अच्छा देखने में अच्छा भी लगता है, ठीक है। तो क्या करेंगे अब, क्या लिखेंगे बाजीराव की भूमिका में, कि मुगलों के प्रति स्पष्ट नीति इनका था, ठीक है। चलिए लिखते हैं, मुगलों के प्रति स्पष्ट नीति, स्पष्ट नीति। सेकेंड क्या लिखेंगे, हिंदू जो पदशाही था, पाद पदशाही था का नारा इनके साथ था, ठीक है। हिंदू पाद पदशाही नारा, विशाल मराठा साम्राज्य का निर्माण बाजीराव ने किया, विशाल मराठा साम्राज्य का निर्माण किया, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखेंगे, गोरिल्ला युद्ध प्रणाली के जानकार थे ये, गोरिल्ला युद्ध प्रणाली के जानकार थे। एक बात और बताना भूल गया, जैसे मान के जिले के यहां पे जगह बचा हुआ है, तो अगर आप पूरा का पूरा यहां छोड़कर यहां से लिखेंगे ना, ये बड़ा थोड़ा सा अजीब लगता है, थोड़ा आंखों में ना ये चुभता है। क्या करेंगे अब, यहां पे जैसे प्रणाली के जानकार लिखना है ना, तो यहां पे क्या कर दिए, ऐसे जान करके यहां पे ऐसे थोड़ा सा डैश देके यहां पर कार लिख दीजिए, जानकार, ये हो गया है ना। डैश ने दिखा दिया कि भाई हमारा जो कुछ छूटा हुआ शब्द है ना, वो आगे मिलेंगे, कुछ अक्षर आगे मिलेंगे आपको, ठीक है। तो इसका देखिए ये तरीका होता है, यहां तक मैंने बात समझ लिया, ठीक है, जानकार थे। और क्या लिखेंगे कि महत्वपूर्ण मराठा जो शक्तियां सरदारों और अपने नियंत्रण में लिया था बाजीराव, जो कि इसकी सबसे बड़ी भूमिका मानी जाती है, ठीक है। क्या लिखेंगे कि महत्वपूर्ण मराठा शक्तियों मराठा शक्तियों, ठीक है, को अपने नियंत्रण में लेना, को अपने नियंत्रण में लेना, यानी कि अपने नियंत्रण में रखा हुआ था, अपना नियंत्रण बनाया हुआ था, ये लिख सकते हैं, अपने नियंत्रण, महत्वपूर्ण मराठा शक्तियों को अपने नियंत्रण के अंतर्गत बनाए रखा था। क्योंकि मैं बहुत छोटे में लिखता ना, थोड़ा सा ना वर्ड का जो एक लय था वो बिगड़ रहा था, तो थोड़ा सा मैंने बढ़ा कैसे करे ताकि एक लय मिल जाए, ठीक है ना, यहां हो गया। अब क्या लिखेंगे, मराठों के पतन का कारण, अब यहां पे आते हैं, ठीक है, मराठों के पतन का कारण, अब इसको क्या बताया हूं, इसको अंडरलाइन कर दो, ठीक है। अब यहां पे जो जगह बचा कुछ ही लिखना है, इसको गैप कर दो, अब यहां से पॉइंट पे आ जाओ। देखिए एक बात और बता दूं, ये पॉइंट लिखने से फायदा क्या होता है, देखिए हर जगह तो डिमांड नहीं होता है पॉइंट का, मगर आप पॉइंट पर लिखते हो ना तो थोड़ा सेंटेंस को लंबा लंबा बनाने से बच जाते हो कतराओ उसे। और पॉइंट में क्या होता है कि मेन मेन बातों बताकर भागो ना यार, मेन मेन बातों को बताओगे कि यार 25 क्वेश्चंस करने हैं मेंस में, एक पेपर में 25 क्वेश्चंस करने हैं, कहां से पूरा हो पाएगा अगर बहुत ज्यादा भाव विभोर हम हो जाएंगे। तो पॉइंट में लिखो, सटीकता को पकड़ो, आंसर के डिमांड को पकड़ो, बातों को लिखो और आगे बढ़ो, ठीक है। चलिए मराठों के पतन के कारण की बात करते हैं, क्या था, कुशल नेतृत्व क्षमता का अभाव था मराठों में, ठीक है। सो देखिए ऊपर भी हमने एरो मार्क लिखा है, तो नीचे भी एरो कर देते हैं, थोड़ा सा चीजें अच्छी दिखेंगी, ठीक है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे कि कुशल नेतृत्व क्षमता का अभाव था, कुशल नेतृत्व क्षमता का अभाव था। चलिए
आगे चलते हैं। मराठा सरदारों में आपसी फूट की नीति चल रही थी। मराठा सरदारों में दारों में आपसी फूट की नीति उसमें चल रही थी। ठीक है, सत्ता की महत्वाकांक्षा थी वहां पर कि हमको मिल जाए, हमको मिल जाए। सत्ता की महत्वाकांक्षा। नेक्स्ट लाइन क्या है? प्रशासनिक अव्यवस्था था। अव्यवस्था था, सैन्य प्रशासन की शिथिलता था। सैन्य प्रशासन की शिथिलता था, बिल्कुल एक्टिव मोड में नहीं थे। ठीक है, चौदवा सरदेशमुखी का जबरन वसूली किया जा रहा था। चौथवा सरदेशमुखी की जबरन वसूली। ये जो चौथ चैत और सरदेशमुखी है ना, ये कर था। ठीक है, याद रखना ये कर है ना, क्लियर। अब हमारा है मामला खत्म। निष्कर्ष में क्या लिखेंगे कि उपयुक्त जो नीतियां थी ना, ठीक है, उसमें जो महान मराठा साम्राज्य था, ठीक है, इन नीतियों के कारण इनका अंत हो गया। बस क्या लिखेंगे कि जो उपयुक्त नीतियां हैं, जो ऊपर बताई गई नीतियां हैं, उपरोक्त नीतियों के कारण महान मराठा साम्राज्य का अंत हो गया। ठीक है एवरीबॉडी, थोड़ा सा ना शब्दों के सही शुद्ध अशुद्ध का भी ध्यान देना। अगर आप जैसे मान चलिए कि नीतियों होता है या नीतियों होता है, ठीक है, बिंदी की बात है, जैसे कहीं पे की लिखना है और कहीं पे छोटी की लिखना होता है, तो थोड़ा सा ना हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट डालो और अपने आप बोलो कि यहाँ पर आना चाहिए था छोटी की, लेकिन यहाँ तो बड़ी की लिखा है, तो क्यों लिखा है। तो जब पूरे सेंटेंस को पढ़ोगे तो आई होप कि आप वहाँ से ये अनुमान लगा पाओगे कि शब्दों का अरेंजमेंट कैसे करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना, ये एक अच्छा प्रभाव देता है इनकी शुद्धियाँ अशुद्धियाँ। ठीक है, क्लियर। तो एवरीबॉडी, सो ये देखिए एक बार हम इसको देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चंस था। मराठा साम्राज्य के उदय में पेशवा बाजीराव की भूमिका को स्पष्ट करते हुए मराठों के पतन के कारणों पर चर्चा करें। 150 शब्द में लिखना था, 10 अंक का क्वेश्चंस है। तो हमें क्या क्या जानना था तब हम इसको लिख पाते। पहली बात, हमको मराठा साम्राज्य के बारे में पता होना चाहिए। जो पेशवा बाजीराव थे उनके बारे में हमको जानकारी चाहिए था, और मराठा साम्राज्य का जो पतन हुआ ना, उनको उनके कारणों के बारे में पता हो तो हम इस क्वेश्चंस को फुलफिल कर सकते हैं। तो क्या लिखा कि 1720 ईस्वी में मराठा साम्राज्य का नेतृत्व बाजीराव प्रथम के हाथों में आ गया। मराठा प्रशासन में छत्रपति के बाद पेशवा शीर्ष महत्वपूर्ण पद होता था। ये एक प्रकार से प्रधानमंत्री होते थे उस समय। ठीक है, इसको हमने कंप्लीट किया 23 शब्द में। मान लीजिए कि जो इंट्रो होता है, वह 23 से 25 शब्द में कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आते हैं बॉडी में। बॉडी में क्या लिखना था? बाजीराव के बारे में लिखना था और मराठा के पतन के बारे में लिखना था। तो क्या लिखा बाजीराव की भूमिका में कि जो मुगल हैं, ठीक है, मुगलों के प्रति स्पष्ट नीति था। हिंदू पाद पदसाहों का नारा था। विशाल मराठा साम्राज्य का निर्माण किया बाजीराव ने। ठीक है, गुरिल्ला युद्ध का
का ज्ञानी था, ठीक है, जानकार था, महत्वपूर्ण मराठा शक्तियों को अपने नियंत्रण के अंतर्गत लाया था। और इसका अक्सर ऐसा होता था कि अगल बगल जितनी भी शक्तियां उभरती थी उसको अपने अधीन ये लाने का कोशिश करता था, ठीक है, अपने विस्तारवादी नीति को लाने के लिए। अब लिखेंगे मराठाओं के पतन के कारण, उसको अंडरलाइन हमने किया, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखूंगा कि कुशल नेतृत्व क्षमता का अभाव था, मराठा सरदारों में आपसी फूट का आपसी व्यवहार रंजिश चल रहा था, सत्ता की महत्वाकांक्षा इन लोगों के अंदर थी जिसको पाकर द्वंद्वता भी बहुत ज़्यादा चला इनके बीच में, प्रशासनिक अव्यवस्था था, सैन्य प्रशासन की शिथिलता था, ठीक है। चौथ व सदेश मुखी का जबरन वसूली किया गया जो कि ये भी जनमानस में काफ़ी असंतोष का एक कारण बना। और ये चौथ सदेश मुखी क्या है, एक प्रकार का यह कर है, सिक्योरिटी का और भूमि का एक कर है, तो आप इसको कर जानना, ये क्वेश्चंस प्रीलिम्स में भी आ चुका है, सरदेश मुखी और चौथ वाला, ठीक है। निष्कर्ष में क्या लिखा कि उपयुक्त जो नीतियां थी इन्हीं के कारण मराठा साम्राज्य का पतन हो गया, अंत हो गया, ठीक है। सो एवरीबॉडी, आपको आज का एनालिसिस एपिसोड 3 का कैसा लगा आप प्लीज़ ज़रूर बताना, कमेंट के जरिए बताइए कैसा लगा। देखिए बिल्कुल फ्री इनिशिएटिव करा रहा हूँ, इन्हीं चीज़ों का कराने में अच्छे अच्छे संस्थानों में बहुत ज़्यादा वसूली होती है, बिल्कुल फ्री इनिशिएटिव, इस चैनल पर हर एक मैटर बिल्कुल फ्री पब्लिश किया जा रहा है। सो प्लीज़ अपनी सजेशंस को आप ज़रूर बताना, ज़रूर बताना। चलिए मिलते हैं फिर अगले सेगमेंट में, सो थैंक यू सो मच। तब तक आप एपिसोड 3 को बिल्कुल रिटेन के माध्यम से, रन के माध्यम से, स्टडी के माध्यम से बिल्कुल एंजॉय करिए। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग।